भारत में मंदिरों की अनगिनत श्रृंखलाएं हैं जो अपने रहस्यों या फिर अद्भुत इतिहास के चलते पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इन मंदिरों में कभी परंपराओं के जरिए मानव सभ्यता को संभालने के संदेश मिलते हैं तो कभी अनेकता में एकता का सूत्र देखने और सुनने को मिलता है। ऐसा ही एक मंदिर है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, जहाँ दो धर्म एक साथ पूजे जाते हैं, वो भी अलग अलग स्थानों की बजाय एक ही स्थान पर। यही नहीं, शिवरात्रि पर तो यहाँ का नजारा और भी अलग होता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भोले बाबा की पूजा के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी उपासना करते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। आपको बता दें, दार्जिलिंग की वादियों में होली हिल के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर एक स्थापित है ये महाकाल मंदिर, जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। दो धर्मों को जोड़ने वाला ये है अद्भुत मंदिर। महाकाल मंदिर में शिवजी और गौतम बुद्ध के अलावा छोटे छोटे और भी भगवान हैं। इनमें गणेश जी, काली माता, माँ भगवती और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ एक गुफा भी है जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रार्थना करते हैं। महाकाल मंदिर में प्रवेश करते ही स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस बेहतरीन मंदिर को देखकर लगता है कि प्रकृति इस पर पूरी तरह मेहरबान है। यहाँ प्रवेश द्वार पर लगे घंटे और बौद्ध धर्म के प्रतीक फ्लैग संगीत और धर्म सुंदरता का अनुपम उदाहरण है। महाकाल मंदिर हिंदू आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। गोलाघाट मंदिर में निर्मित इस मंदिर में मध्य भाग में शिवलिंग है। वहीं प्रवेश द्वार पर नंदी बाबा विराजे हुए हैं। शिवलिंग के बगल में ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा विराजी हुई है। दोनों ही धर्म के पुजारी एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो इस मंदिर में हमेशा ही रौनक रहती है, लेकिन शिवरात्रि के मौके पर यहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।